Hey guys, welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग हैं जोगेश्वरी में राम मंदिर माड़ा पे, ठीक है, और हमारे साथ है शाकिर भाई, शारिक भाई, अरे शाकिर और शारिक में कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं. सो भाई, हम लोग पहला वीडियो तो हम लोग ने बनाया बेंटम दिखाया हमने जी. इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे चार अलग अलग क्वालिटी के बर्बरे जी बर्बर हो गए, शॉकिंग हो गए बर्बरे. मैंने यार जो देखा हूँ, मेरे को आज ऐसा लग रहा है वो ब्राउन वाला बर्बरा है क्या है, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. यस, ये कौन सी ब्रीड है, मिक्स है या ओरिजिनल में बर्बरे क्या है. जी जी भाई, शुरुआत हम लोग इस बकरे से करेंगे, ठीक है. तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग और इस बकरे के बारे में बात करेंगे. इसके बारे में कुछ बताएं मुझे भाई. ये बर्बरा फ्रेश 8-10 अभी लगाया है, ये 50-55 केजी रहेगा इंशाल्लाह. ओके, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी ले रहा है, बहुत खाने पीने में अच्छा है, बेहतरीन बर्बर है. और जिन भाई को लड़ाई का शौक है उसके लिए ये भी बहुत अच्छा है, ये मतलब डट के लड़ने वालों में से. वैसे हम तो नहीं लड़ाए, जिधर से आया उन्होंने बोल के दिया, और हम लोग प्रमोट भी नहीं कर रहे, प्रमोट भी नहीं कर रहे जरा, ठीक है. और सो ये प्योर बर्बरे में ही है. कितने दांत पर है ये? 8-10 अभी फ्रेश इसने लगाया है, 8-10 फ्रेश कर लिया जी, इसने जी. ठीक है, ये अपने पास कब से है अपना? ये अपने पास 3 महीने से. 3 महीने से जी, फुली वैक्सीनेटेड, सब कुछ एकदम मुंबई क्लाइमेट सेट सब वगैरह माशाल्लाह से एकदम अच्छा है इसका. इसके सिंग वगैरह थोड़ा नज़दीक से दिखा देते, क्योंकि ये सारे बकरे जो होते हैं काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, तो सिंग वगैरह काफ़ी डैमेज करते हैं. ये क्या है ये जो है ना भाई, ये हाँ, इसका खुद ही गुस्से में इन लोग अग्रेशन दिखाते ना, घसा आगे दीवारों पे मार मार के वो तरीके से. ठीक है, और इसका वेट बताया अपन ने जी, 50-55 केजी रहेगा अप्रोक्स. अपने पास वेइंग मशीन है? नहीं है तो नहीं, बाकी अगर किसी को चाहिए तो वे सब करा के देंगे अपन, करवा देंगे जी बाजू में ही है. ठीक ठीक, इसका प्राइस हम लोग क्या कोट कर रहे हैं? इसका हम लोग 33,000 आस्किंग है, स्लाइटली नेगोशिएबल. 33 मेरे को थोड़ा सा हाइयर साइड लग रहा है जी जी. असल में ये देखो, बर्बरों में बहुत क्वालिटी आती है. ओके, ये इसकी फ्रेम माशाल्लाह बहुत बड़ी है, हथियार बहुत अच्छे है, और ये फुल साइज में बर्बर है. और ओल्ड ब्लड लाइन जो बोलते हैं ना लोग, ओल्ड ब्लड लाइन, पतले चेहरे का अच्छा, ये वैसा बर्बर है. अभी कैसा है, शुरुआत हुई है, अभी बहुत गर्म होएगा ये, मतलब और बनेगा भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा. ये बकरों के बाल भी निकाले गए हैं, इस वजह से थोड़े से बकरे ऐसे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदाजा लगाना चाहो तो यही परफेक्ट टाइम होता है बकरों की प्रॉपर ग्रोथ देखने का. बाल बदन पे होते नहीं है, और आप देख सकते हो कि बकरे पूरे माशाल्लाह सारे के सारे बकरे एकदम फिट एंड फाइन है, और अल्हम्दुलिल्लाह गोल मटोल है सारे के सारे. ठीक है, अब हम लोग कौन सा बकरा दिखाएंगे इसी वीडियो में आगे? अब हम एक है ना वाइट आइज में बर्बर है हमारे पास, वो वाला है. हाँ, बाई तक लिखा देंगे ना. ये बहुत ओली है यार, इसके बारे में बताएं जी. ये बर्बरा वाइट आइज में है, और ये 4 दांत है अभी इसने, 4 अभी लगाए हैं. ओके, और वाइट आइज में बर्बर है मतलब बहुत रेयर होते हैं. ऐसे ही करता रहेगा जबान बार जी, बहुत माशाल्लाह सब अपने कैसे एकदम खेल कूदने वाले अच्छे. भले बॉडी अगर इसकी छोटी भी है, पर हर जगह से बना हुआ, कहीं से भी कम नहीं जी. इसके 4 दांत है जी. क्या वेट पर है ये? इसका वेट रहेगा 40-45 केजी रहेगा. ये व्हाइट आइज में कैसे आ गया? बर्बरा क्रॉस में है? हाँ, ये मतलब क्रॉस प्योर भी बोल सकते हैं, पर थोड़ा सा क्रॉस तो रहेगा तो ही व्हाइट आइज आई है. हाँ जी, कैसा पाकिस्तान साइड पे आते हैं व्हाइट आइज में, टेडी रहते हैं उनके पास जो. ओके जी, तो ये थोड़ा अपना पंजाब साइड का बर्बरा है, तो ये व्हाइट आइज में क्रॉस्ड है. इसके क्या प्राइस हम लोग मांग रहे हैं? इसके फोन पे बताएंगे, ये असल में हमारी क्लाइंट का है, ये पलाई पे. ओके, तो इसके और वो जो एक और बर्बरा होगा, एक और एक वाइट कलर का, उसके फोन पे बताएंगे. फोन पे मतलब फोन पे बताएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो? नहीं, असल में पूछा ही नहीं हूं मैंने, में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है. नहीं, क्लाइंट से मैंने पूछा नहीं, पता ही नहीं है. हाँ, तो उनको खाली इतना है कि सेल करने, अभी मैंने कॉल किया था तो वो बोले सेल करने हैं. ओके, मैं कॉल पे मतलब आप पूछ लेना तो मैं बता दूंगा. डन. सो ये बकरा भी देना है, लेकिन इसके प्राइस आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा, और प्राइस के लिए आप लोग बेफिक्र रहे, नॉमिनल रेट लेने वाले हैं एकदम. लोग खुशी खुशी लेके जा और वापस भी है इंशाल्लाह. ठीक है, अब हम लोग कौन सा बकरा दिखाएंगे? अब हम एक है ना लाल कलर का एकदम यूनिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब मैं तो कहूँगा मैंने लाल बर्बरे नहीं देखा भाई जी, 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 इसके जी, बारे में थोड़ा सा. ये बर्बरे के पीछे मैंने भी बहुत जिद्दोजहद किया है भाई, क्योंकि ये एकदम शौकीन लोग ही मतलब समझ पाएंगे कि लास्ट रेड कलर का बर्बरा किसने कब दिखा रहेगा. ओके, और अभी ये 2 ही दांत किया है, अदंत आया था मेरे पास अच्छा 3 महीने पहले. और माशाल्लाह मतलब
कोई जगह उसने छोड़ा नहीं है बदन में बनाने के लिए अभी से. ओके, रिंकल्स बोलो आप उसके, आप उसका सीना बोलो, आप उसकी हर जगह से कंप्लीट है बकरा. और ये रहेगा मेरे हिसाब से 38-40 kg रहेगा इंशाल्लाह. ओके जी, इसके अपन कोट कर रहे हैं 30,000 स्लाइटली नेगोशिएबल. 30,000 स्लाइटली नेगोशिएबल. जी जी जी. ये प्राइस इसके लिए वर्थ है जो मतलब क्वालिटी के, मैंने भी महंगा खरीदा ये वाला असल में. जैसा कि आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आपने जिद में उसको बचपन में ही 18,000 मतलब छोटा था तभी, बहुत छोटा था तभी लिए थे और अभी मतलब माशाल्लाह काफी. अभी ये दो दांत पर है. जी जी जी. ठीक है, इनकी देख रेख वगैरह सब टोटल आप ही करते हो? नहीं, हमारे बड़े भाई है रेहान भाई. ओके, तो वो खाना पीना मतलब उनके हाथ के नीचे होता है सब कुछ, और दवा पानी वगैरह हम सब कर देते हैं. मतलब दो तीन जन हम लोग मिलके पूरा अल्हम्दुलिल्लाह संभाल लिए. अभी जो इसके जो गले पे जो झालर वगैरह दिख रही है, जी जी जी, तो क्या लगता है अगर ये वेट पुट ऑन करेगा तो ये झालर और बढ़ेगी, ये झालर के अंदर ही पूरा ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, ये और बॉडी भी गेन करेगा, हाइट थोड़ी बहुत गेन करेगा. एक्चुअली बर्बर है तो हाइट तो ज्यादा नहीं जाएगी, इसके हिसाब से इसने बहुत हाइट बहुत अच्छी ले ली है. और इसके हथियार वगैरह की क्या, हथियार भी इंशाल्लाह बहुत बढ़ेंगे. और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके हथियार कैसे है ना, बर्बरों में गरमाहट रहती है, इसने तोड़ा नहीं है पर आगे से मार के ऊपर की खपली निकाला है, ये पीछे चली जाएगी. ओके, पूरी पीछे चली जाएगी इंशाल्लाह. बहुत सीन की भी ग्रोथ बहुत अच्छी है. नुक्स नहीं बोला जाए, नहीं नहीं, ना ऐब है ना कुछ है. ऐसा लड़ाई वाले भाइयों के लिए एक है, बाकी ब्रीडिंग के तौर पे आप बोलो या कुर्बानी के तौर पे बोलो, बहुत बेहतरीन चीज है. ठीक है, इसके प्राइस हम लोगों ने 30,000 कोट की. जी जी जी, स्लाइटली. और अभी ये दो दांत पर है. जी जी जी. इसका वेट कहाँ तक जाएगा क्या लगता है आपको? एक्चुअली बर्बरे का कैसा है ना भाई जन, बता नहीं सकते कि वी कैनॉट टेल अभी ये 20 kg और लेगा कि 30 kg और लेगा. अच्छा. या तो ये और बॉडी को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, पर एक्सपेक्टेशन अब जी जब तक प्रोग्रेस हमने देखा है इंशाल्लाह जाना चाहिए. क्या ग्रोथ दिखाया है पर मंथ, जैसे अगर आप देखो तो एक लेवल पे जाने अप्रोक्सीमेटली 3-4 kg ये जाता ही है, बढ़ाता ही हर महीने. जी जी जी. और खाने पीने का ऐसा है ना कि आप जो खाना रखोगे गिराएगा नहीं, पहले खत्म करेगा उसको. अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई बकरा जैसे सोचता है ना इंसान के बकरा जहाँ पे है वहीं पर उसको सेट रहने दो. जी जी, वहाँ से हिलाएंगे नहीं. जी, ये एक ये बकरे के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये अगर कोई हमारे पास ही पलाई पे देना तो ही इज गिविंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट माशाल्लाह से. Okay. ये इंशाल्लाह बहुत बन रहा है हमारे. तो मैं भी वही सवाल कर रहा था, कोई पलाई पे रखना चाहे तो आप रख लोगे? पलाई की स्पेस हमारे पास है ना और 6-8 बकरों की है, आगे डिमांड रहेगी तो हम बढ़ा भी देंगे. क्या प्राइस हम लोग पलाई के लिए? बकरे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगर ये साइज का बकरा है तो 2500 rupees हम इसका रख रहे हैं, एकदम नॉमिनल है. आपके आपको एक्सपेक्ट क्या करते हो कि मेरे पास एग्जॉटिक ही आना चाहिए या फिर कोई भी आवे? कोई भी नहीं, क्वालिटी ही आवे तो अच्छा है. क्वालिटी तो ठीक है, जी जी, एग्जॉटिक ही चाहिए आपको या फिर जैसा भी चलेगा, कोटा भी चलेगा, मालवा भी चलेगा, सब चीजों में क्वालिटी होनी चाहिए. जी, क्वालिटी, क्योंकि हमको भी मजा आना चाहिए ना भाई, हम भी इतना वक्त देंगे उसको, है ना, हम भी उसका सब ध्यान रखेंगे तो हमारे को भी मजा आनी चाहिए पालने में, सही है, और सामने वाले को भी मजा आनी चाहिए पैसा देने में. डन. वो 2500 rupees आप बता रहे हो? जी, ये बकरे का. इसमें वैक्सीनेशन? जी जी, सब सब हमारी. अच्छा, तरफ से 2500 rupees खाली इस बकरे की पलाई आप बता जी, रहे? मतलब ये अगर वेट पे अगर रहेगा तो. अगर कोई और बकरे लाता है बाहर से, जैसे मुझे कोई बकरा रखना है आपके यहाँ पर, यस यस, तो क्या पलाई लोगे आप? बकरे के ऊपर डिपेंड करता है, इफ ही इज अबव 60 kg देन वी विल टेक 3000 rupees, एंड इफ ही इज अबव 80 kg 3500. ये मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, अगर 60 kg का है, 60 kg का है तो 3000 rupees 3000 rupees, और 80 kg के ऊपर है तो 3500 rupees 3500 rupees, क्योंकि सारे लोग है ना इंग्लिश नहीं समझते. सो गाइज, एक और बकरा हम लोग आपको दिखाएंगे. इनके इस बकरे के इन्होंने 30,000 कोट किए हैं, जो स्लाइटली नेगोशिएट भी है. ठीक है, अभी एक और बकरा बचा है जो हम लोग आपको वीडियो में दिखाएंगे. दे दो भाई, ये थोड़ा उधर ही चलते हैं. ये टिंकू, ये मुझे ऐसा लग रहा है परफेक्ट बर्बर आई है जिस हिसाब से, जो इसका लुक है उसके हिसाब से. इसकी डिटेल कुछ बताओ मुझे. जी, अभी ये दो दांत पे है और ये भी माशाल्लाह से ये रहेगा 35-36 kg ये भी रहेगा. ऐसे तो बर्बरों में वजन देखा नहीं जाता है भाई, पर फिर भी अपन एक अंदाजे के लिए लोगों को बता रहे हैं. वीडियो में समझ में नहीं आ पाए साइज, तो वेट के हिसाब से समझ जाएंगे लोग. और ये भी बहुत गर्म है, मतलब मस्ती तो आप देख ही सकते हो उसकी, और बहुत तैयार होने वाला बच्चा है, और खूबसूरती में भी मतलब बहुत आगे अवली बकरा है एकदम, मतलब पूरे खुर और इसके सफेद जैसा एक इंसान को चाहिए ना. ये अपने पास कब से है? ये भी अपने पास रहेगा एक 5-6 महीने से रहेगा. 5-6 महीने बहुत छोटे छोटे आए थे सब. ओके जी, तब से रखे हुए. वैक्सीनेटेड? ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन सब हो चुकी है, डीवॉर्मिंग हो चुकी है, जितनी मोस्टली चीजें होती हो चुकी है सारी चीजें इनके ऊपर हो चुकी है. अभी आने वाले सीजन की वैक्सीन बाकी है. ओके, इसके क्या प्राइस हम लोग कोट कर रहे हैं?
इसके भी भाई अपन कॉल पे बताएंगे, ये हमारे पास पलाई अच्छा, ये वही कस्टमर का ही है उनका है। अच्छा उनके ही दोनों बकरे हैं ये? जी ये दोनों बर्बर हैं उनके, वो व्हाइट वाला और ये वाला। तो प्राइस इसका भी वो रहने वाला है, सिर्फ उसका कॉल पे बताएंगे। ओके ठीक है, सो ये वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर आए देखे पसंद करे उसके बाद सौदा करे। अगर आप यहाँ से नहीं हो, आउट ऑफ मुंबई से हो, तो अपने रिलेटिव या अपने भरोसेमंद किसी फ्रेंड को यहाँ भेजे, आके देख लेंगे पसंद कर लेंगे, उसके बाद जो भी है सौदे की बात जो है वो आप लोग उसके बाद करें। ठीक है सर, गाइज मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।